there. And since I have been using this the Mi Beard Trimmer for over a year, so I thought it would be a great time to give a full long-term review of the Mi Beard Trimmer. And so without further wasting any time, let's start our video. And if you do liking, end up liking our video, make sure you give a like and subscribe to the channel. So with this said, let's get our video ongoing. So first of all, let me give you a quick review of the features and the items available in the box. So this is the Mi Beard Trimmer, as you can see here. And as you can see, it has 40 different length knobs. So when I am increasing it, so it's getting increased. And it also has a power button, and you can see that three indicators, in which two indicators are present here. And in the box, it has another wire cable, another clip for combing and other purposes. And also it have a mini pouch for the carrying of your Mi Beard Trimmer, a cordless cable on this side, there is one cable present here, and on another side it has a USB type A cable in which you can use to charge your Mi Beard Trimmer. And you can charge it through any standard adapter or any power bank also. And finally, there is a small brush inside it, so you can clean your Mi Beard Trimmer also. So it was a quick view of the Mi Beard Trimmer. So now coming to its features, so it has a 40 different length settings, it has a 90 minute of cordless use, and it has self-sharpening blades. So now coming to my opinions and my review of its in the video of the sorry of the Mi Beard Trimmer. So currently जो Mi Beard Trimmer का जो मेरी price है वो है ₹1,399 और आप इसको mi.com और amazon.in दोनों से buy कर सकते हैं. इसका link मैं आपको description में दे दूंगा, आप वहाँ से use करके इसको buy कर सकते हैं. तो अगर बात करें इसके इस प्राइस में, जो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, और अभी तक इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी स्क्रैचेज या कुछ भी नहीं आए हैं. और साथ ही साथ आपको इसका जो बॉडी है वो अगर मेनली बात करें तो मेनली वो प्लास्टिक बॉडी है, तो जो ज़्यादा हीट भी नहीं होता है. और साथ ही साथ इसका ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है, वो इजिली स्लिप अवे नहीं होता है. और साथ साथ आप इसको आराम से इजली इसको आप स्टैंड कर में रख सकते हैं, जो कि आपको दूसरे ट्रिमर्स में नहीं मिलता है, या फिर अगर मिलता भी है तो उसका प्राइस बहुत हाई रहता है. और अब बात करें अगला बात करें इसके ब्लेड्स की, तो इसका जो ब्लेड्स है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है. ऐसा क्या आप देख सकते हैं, इसका ब्लेड से आपको स्टेनलेस स्टील का मिलता है. और साथ ही इसमें आपको ब्लेड को आप इजली निकाल भी सकते हैं, ऐसा करके निकाल के आप इसको साफ भी कर सकते हैं, ज़्यादा गंदा हो गया. और नहीं तो आप इसको डायरेक्टली जो इसमें ब्रश दी हुई है उससे आप जो ब्रश इसमें आपको दी हुई है इससे आप इजली इसको क्लीन कर सकते हैं. और साथ ही आपको इसको चार्ज करने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगता है, जिससे आपको फुल चार्ज हो जाता है. और आप एक बार चार्ज करने पर इसको आप इजली 90 to 100 मिनट्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखते हैं तो 9 to 10 times आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन अ सिंगल चार्ज. और साथ ही साथ इसमें ट्रैवल मोड का एक फीचर मिलता है, जिससे अगर आप इस बटन को आप 3 times प्रेस करके रखेंगे तो आपका एक ट्रैवल मोड में चल जाएगा, जिससे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो गलती से प्रेस करें तो ये ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं हुआ, तो ये ट्रैवल मोड का फीचर है. तो अब अगर बात करें इसके नेट इसके वाटर रेजिस्टेंस और इसके फीचर की, तो इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है वो IP68 का इसमें रेटिंग दिया हुआ है. एंड क्या होगा, इसको पूरा पानी भी डुबा दे तब भी इसका खराब नहीं होगा, यहाँ तक क्या होगा इसका चार्जिंग पिन में भी पानी से डुबा दे तब भी खराब नहीं होगा. बस आपको ये ध्यान रखना कि तुरंत पानी में डुबा के तुरंत आप इसको यूज़ नहीं करें, तो आप पहले क्लीन कर ले तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए और आपके ट्रिमर के लिए भी.
तो अब अगर बात करें इसके ब्लेड्स की और इसके जो पिंस है, चार्जिंग पिंस है, उसके क्वालिटी और मटेरियल के बारे में, तो इसका जो पिंस है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है और 1 ईयर हो चुकी है मुझे यूज़ करते हैं, और इसका जो शार्पनेस है वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, जो कि दूसरे ट्रिमर्स इसी प्राइस में दूसरे ट्रिमर्स के बाद ख़राब हो जाता है 1 ईयर यूज होते होते, और साथ ही उनका जो चार्जिंग पिंस है उसका वो लूज होने लगता है, जबकि इसका अभी तक लूज नहीं हुआ, अभी तक फिट है, क्योंकि मोस्टली आप इसको अगर यूज़ करेंगे, अगर आप वीकली यूज़र है जो आप वीकली ट्रिमर करते हैं, तो आपको इसको 2 से 3 मंथ्स के बाद चार्ज करना पड़ेगा, एक बार फुल चार्ज करना होगा, और अगर आप डेली यूज़र है तो आपको मिनिमम आप 7 डेज बाद इजली यूज़ कर सकते, 7 डेज तक इजली यूज़ करते बिना चार्ज के। तो यस, इसकी चार्जिंग भी, इसका बैटरी भी सही है और चार्जिंग भी 1 मिनट लेता है, तो इससे आपका जो पिंस है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो और अब आते हैं इसके जो कॉम्स है, तो इसमें आपको 2 ही कॉम्स, डिफरेंट कॉम्स मिल जाते हैं, डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट स्टाइल के 2 कॉम्स मिल जाते हैं, ये दोनों जो कॉम्स है आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये नॉब है, इससे आप 20 डिफरेंट लेंथ सेटिंग्स कर सकते हैं ऐसे करके, तो वो ये भी एक तरीका है, और जिससे कि आपको हर कॉम के साथ 20 सेटिंग्स मिलता है, तो आपको टोटल 14 डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स मिल जाते हैं अपने ट्रिमर्स को यूज़ करने के लिए, जिससे आप अपना हेयर कटिंग, हेयर का ट्रिमिंग या फिर आप बियर्ड का ट्रिमिंग कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आप इससे अपना हेयर का ट्रिमिंग नहीं करें, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपको थोड़ा सही से नहीं ट्रिम हो, तो अगर आपको हेयर ट्रिमिंग करना तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको यूज़ करें, बट अगर आपको केवल ट्रिमिंग बियर्ड का ट्रिमिंग करना, तो आप मैं डेफिनेटली इसको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इससे जो बियर्ड का ट्रिमिंग होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे को, मैं इसी ट्रिमर का यूज़ करता हूँ, और मैं मोस्टली वीकली या बेसिस पर ट्रिम करता हूँ, तो ये थोड़ा सा अभी हो गया है। तो अब मैं बात करूँ अपने फाइनल वर्डिक्ट की, कि आपको इसको अभी के टाइम में परचेस करना चाहिए, तो हाँ आप डेफिनेटली इस ट्रिमर के इसको परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको ₹1399 में मिलता है, और आप इसका कंपैरिजन जो है, इसका जो ट्रिमिंग का क्वालिटी या इसका बैटरी लाइफ या इसका डिफरेंट फीचर्स का है, वो ₹1,000 या ₹3,000 के ट्रिमर के से आप कंपेयर होता है, जो कि आपका जो 2,000 या 3,000 का फिलिप्स का या इसका ट्रिम डिफरेंट कंपनीज का ट्रिमर आता है उसका क्वालिटी के जैसा ऐसा क्वालिटी। तो हाँ आप डेफिनेटली आप इसको जाके बाय कर सकते हैं, और आपको बाय करने के लिए आप इसको MI.com से या Amazon से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, या मी होम या मी के रिटेल स्टोर से आप भी इसको आप बाई कर सकते हैं। तो फाइनली ये था मेरा वीडियो आपके मी बियर्ड ट्रिमर के एक लॉन्ग टर्म रिव्यू पे, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बाय बाय।